आई हूँ सदर से मार्केटिंग करके और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने सदर से क्या क्या लिया। बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। So, hey guys, this is Shivani Verma and you welcome back to my YouTube channel. Guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आज मैं सदर गई थी, तो सदर बाजार से मैंने शॉपिंग करी है। आपको पता ही होगा कि लैक्मे एकेडमी में मैं कोर्स कर रही हूँ मेकअप का, एडवांस लेवल मेकअप का और हेयर स्टाइलिंग का। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए जो भी एसेसरीज वगैरह सामान वगैरह लगता है तो मैं वो सारी चीज़ें लेने गई थी। और गाइज, मुझे बहुत ही अच्छे सस्ते कम में मुझे सारी चीज़ें मिल गई, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इन दोनों में ही सामान है, आप लोग देख सकते हो, दोनों में ही मैं सदर से लाई हूँ शॉपिंग करके, पूरा दोनों में ही सामान है। तो मैं आपको दोनों खोल के दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, आपको एक एक चीजें दिखाऊंगी और सभी डिटेल्स आपको बताऊंगी, प्राइस भी बताऊंगी मैंने कितने का लिया और क्यों लिया, तो आप लोग को मैं सब बता रही हूँ। इसे मैं खोल देती हूँ पहले। वो सबसे गाइस पहले ये निकला, तो मैं आप लोग को इसे ही बता देती हूँ, ये मैंने सदर से लिया है और ये है डोर मैट है ये, और क्योंकि इससे इसकी ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि हम लोग अभी घर पे हैं नहीं तो फ्लैट पे हैं, तो उसकी इसकी ज़रूरत पड़ती है डोर मैट की, आप लोगों को पता ही होगा कैसी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये दो परचेज किए हैं, ये मैंने एक अपने फ्रेंड के लिए लिए हैं वैशाली के लिए और ये मैंने खुद के लिए लिए हैं। ये दोनों 50 रुपीज़ में मुझे मिले सदर से, तो और 100 के 4 थे तो मैंने दो ही लिया क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं, दो ही लिया मैंने 50 रुपीज़ के मिले। उसके बाद हम लोग जो पार्क में गए थे, आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा मेरे, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था जिस दिन मैं गई थी। तो हम लोग जहाँ गए थे पार्क में, तो वहाँ पर रिया भी मेरे साथ गई थी, काफ़ी दिनों बाद उसके साथ मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। वो बिल्कुल वैसे की वैसी है, थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है। तो हम लोग यही वहाँ पे मतलब नीचे बिछा कर उसी पे बैठ गए थे हम लोग। आई डोंट नो वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे ये देख के। नाउ आपको नेक्स्ट थिंग दिखाती हूँ कि क्या है। ये मेकअप पाउच इसको बोल सकते हैं आप, और ये था 100 का 2 पीस था, ये सबसे बड़ा साइज है और इसमें क्या एक छोटा सा था, इसके अंदर नहीं है। तो वो रिया ली, हम लोगों ने दो ही पीस लिया, मैं बोली कि एक तुम ले लेना एक मैं ले लूँगी, तो बड़ा वाला मैंने लिया और रिया ने छोटा वाला लिया। 100 के थे 2 रुपये। कलर भी अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पर काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी मेकअप की, तो अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट थिंग है ये गाइस, ये देखो डमी है, हेयर डमी, जो हेयर स्टाइल्स होंगे तो उन्हें पता होगा ये किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है और मैंने क्यों बाय किया है। तो और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैंने अभी बताया कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट भी कर रही हूँ कोर्स मेकअप के साथ, तो मैंने ये हेयर डमी खरीदा है और इसके हेयर पे स्टाइल्स बनाने के लिए, डिजाइंस बनाने के लिए, सीखने के लिए, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हेयर कोर्स करना होता है, तो हेयर डमी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको आप किस पे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी होता है हेयर डमी। ये अंकल बोले थे 1400 का बोले थे, तो मैंने 1200 में लिया इसे, और इसका बाल भी देखो, मुझे लगता है कि शायद ही इस पे डिजाइंस दिखेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। तो लेकिन बाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, फॉल ही नहीं है इसमें, बहुत अच्छा है, मुझे ठीक लगा तो मैंने इसे परचेस कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डोनट, डोनट मैंने 2 लिए, 2 डोनट लिए मुझे, प्राइस नहीं पता लेकिन बहुत कम में ही मुझे मिला। तो ये था मेरे पास, लार्ज साइज का था, ये मैंने मीडियम साइज का लिया कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी हेयर स्टाइलिंग करने की टाइम, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया।
ये लिया मैंने जूड़ा वाला नेट है, इसमें 12 पीसेस हैं, तो 12 पीसेस है, 50 या 60 रुपीस के हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट ये है पर्ल वाले यूपिन है, आपको मतलब हेयर स्टाइलिस्ट जो होंगे उनको पता ही होगा कि ये किस चीज़ के यूज़ में आते हैं। अगर हम हेयर स्टाइल्स बना लेते हैं तो उसे डेकोरेट करने के लिए ये काम आता है, बहुत अच्छा डेकोरेशन चीज़ है ये, तो मैंने इसे परचेस किया। ये है डमी का स्टैंड, और उन्होंने ऑनेस्टली ये मैं ये भूल गई थी कि ये भी लेना है, बट उन्होंने ऑनेस्टली ये स्टैंड मुझे दे दिया कि आप ये भूल रहे हो, आप इसके बिना आप वर्क नहीं कर सकते डमी पे, तो दिस इज गुड। और ये मैंने इनविजिबल पिन परचेस किया, 12 रुपए के हैं, 60 पीसेस हैं, अच्छे लगे मुझे। और ये जूड़ा पिन से 12 या 10 रुपए का, जो कि मेरे हेयर स्टाइलिंग में प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं। तो अब उसमें का मैंने आपको दिखा दिया सामान क्या क्या था। अब मैं ये अपने हैंड पर्स में जो ले गई थी हैंड बैग में, तो ये उसमें का आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है इसमें। गाइस, जिस शॉप में मैं गई थी अंकल थे, तो उनसे मैंने उनका शॉप का कार्ड मांग लिया, ये देख सकते हो आप लोग, सोनू परांदा हाउस। आप लोग यहाँ जाओगे आप लोग को बहुत ही बेस्ट सामान मिलेगा, बहुत ही अच्छा कम में मिल जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो यहीं पर जाऊँगी। ये है कॉम्ब, जो कि ज़्यादा जिसके फ्रीजी हेयर होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, तो उनको सुलझाने में बहुत ही काम आता है, तो ये लार्ज टूथ वाले कॉम्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ आपके पास होनी चाहिए अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो, या कोर्स कर रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये दो पैकेट में है, ये दो पैकेट में क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ क्या है इसमें। इसमें है ये सेक्शन वाले पिन्स, जो कि मुझे 60 रुपीस में मिल गए थे, ये 60 रुपीस में मिल गए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो कि ऑनलाइन 210 रुपए के पड़ गए थे, और वो चीज़ मुझे 60 रुपीस में मिल गए थे, और क्या चाहिए गाइस, और क्या ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम सो हैप्पी कि मैं सदर से परचेज करा मैंने, दैट इज। लास्ट थिंग इज दिस, ये डेकोरेशन वाला हेयर पे हेयर एक्सेसरीज, ये मैंने लिया 80 रुपीस का, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम में मिल गया मुझे लगता है, क्योंकि ऑनलाइन तो 300 के नीचे मुझे नहीं दिख रही थी, मैंने चेक किया तो, और ऑफलाइन लोकल मार्केट पे मैंने देखा तो 150 के नीचे नहीं मिल रहे थे, दैट्स वाई मैंने सदर गई मैं और वहाँ से परचेस किया, मुझे काफ़ी कम में ये सारी चीज़ें मिल गई। अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें सही लगी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको सही लगा, और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नाउ इट्स सेट टू, बाय बाय।